यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, देश की आवाज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ नेहा वालिया। आज बात करेंगे देश की आवाज में देश की सबसे बड़ी पार्टी की, बीजेपी सरकार आज हर मोर्चे पर विफल हो रही है। और इतना ही नहीं, बीजेपी सरकार संसद को भी ठीक से नहीं चला पा रही है। और ऐसे में अब इन सभी की जिम्मेवारी विपक्ष पर डालकर क्या सरकार अपने काम से बचना चाहती है और क्या इसी के कारण बीजेपी के सांसद आज देश में उपवास कर रहे हैं? क्या है बीजेपी के सांसदों के उपवास की सच्चाई? क्या आप भी मानते हैं कि उपवास की राजनीति से देश का कुछ लाभ होगा या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट ही साबित होगा? तो देश की आवाज में तमाम सवालों के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं और आप भी इस मुद्दे पर जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं कि आखिर बीजेपी को उपवास की जरूरत क्यों पड़ी है। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी बीजेपी उपवास क्यों कर रही है? तो तमाम सवाल आपके सामने हैं, टीवी स्क्रीन पर लगातार फोन नंबर भी फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कीजिए और अपनी राय दीजिए। क्योंकि बीजेपी जो पार्टी बड़े बड़े वायदे करती है, बड़े बड़े दावे करती है, उनकी तरफ से उपवास किया जा रहा है, तो इस उपवास की सच्चाई आखिर है क्या? क्यों बीजेपी पार्टी को उपवास करना पड़ा, सांसदों को उपवास करना पड़ा? तो आज के सवाल कि बीजेपी को क्यों उपवास की जरूरत पड़ी है, सबसे बड़ी पार्टी होने पर भी बीजेपी उपवास क्यों कर रही है, सत्ता में रहते हुए भी विपक्ष के सामने लाचार सरकार क्यों नजर आ रही है और बहुमत होने के बाद भी संसद क्यों नहीं अपना काम कर पा रहे हैं और क्या जनता की सहानुभूति के लिए उपवास किया जा रहा है? तो तमाम सवाल है जिन पर आप जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। जिस तरीके से आप सभी जानते हैं चुनाव आने वाले हैं, तो क्या ये उपवास राजनीतिक स्टंट भी हो सकता है? बीजेपी को उपवास की जरूरत क्यों पड़ी है? तमाम सवाल हैं, टीवी स्क्रीन पर लगातार फोन नंबर फ्लैश हो रहे हैं। तो देश की आवाज में अपनी आवाज को आप बुलंद कर सकते हैं। सत्ता में रहते हुए भी क्यों जरूरत पड़ी बीजेपी सरकार को उपवास करने की? क्यों संसद नहीं चला पा रहे सांसद और जनता की सहानुभूति के लिए क्या ये उपवास किया जा रहा है? सत्ता में रहते हुए भी विपक्ष के सामने सरकार क्यों लाचार नजर आ रही है? तो देश की आवाज में तमाम सवाल आपके सामने हैं, आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, जुड़ सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार फोन नंबर फ्लैश हो रहे हैं कि आखिर क्यों बहुमत होने के बाद भी संसद नहीं चला पाई बीजेपी सरकार और साथ ही साथ जनता की सहानुभूति के लिए उपवास किया जा रहा है, इस उपवास के पीछे की आखिर सच्चाई क्या है? तो जिस तरीके से चुनाव आने वाले हैं, हर पार्टी चाहती है उनका पक्ष जो है वो स्ट्रांग हो और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जनता की सहानुभूति पाने की भी कोशिश पार्टियों की तरफ से लगातार की जाती है और बीजेपी जो कि सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है उसे उपवास करने की क्यों जरूरत पड़ी? सत्ता में रहते हुए भी विपक्ष के सामने लाचार क्यों नजर आ रही है? और अगर बात की जाए बीजेपी के तमाम वादों की, तमाम दावों की, तो बड़े बड़े वायदे, बड़े बड़े दावे उनकी तरफ से किए जाते हैं। जनता की अगर बात की जाए तो उनका कहना है कि आज बहुत सारे ऐसे वादे हैं जिन्हें पूरा नहीं किया गया है। और विपक्ष की अगर बात की जाए तो विपक्ष हमेशा ही अपने निशाने पर सरकार को लेता आया है। उनका कहना है कि जो भी तमाम वादे बीजेपी की ओर से किए जाते हैं उन्हें धरातल पर नहीं उतारा जाता। किसी भी वर्ग की अगर बात कर ली जाए तो हर वर्ग आज सरकार से परेशान है, चाहे किसान है, चाहे युवा है, युवा बेरोजगारी की वजह से परेशान है, किसान अपनी फसलों को लेकर परेशान है, आम जनता की बात की जाए तो वो परेशान है, यानी कि तमाम वर्ग परेशान है। तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी आज क्यों उपवास कर रही है? ये जो उपवास किया जा रहा है क्या कोई दिखावा है या फिर कहें कि जनता की सहानुभूति पाने की कोशिश की जा रही है? सबसे बड़ी पार्टी होने पर भी बीजेपी को आखिर उपवास क्यों करना पड़ रहा है? तो तमाम सवाल आपके सामने हैं, आप जुड़ सकते हैं, टीवी स्क्रीन पर लगातार फोन नंबर फ्लैश हो रहे हैं। पहले कॉलर जीन से वजीद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपनी राय दीजिए। ये जो उपवास कर रहे हैं ये पब्लिक को सिर्फ दिखावा है, कुछ नहीं, ड्रामेबाजी है, ये काम नहीं कर रहे हैं, मेरी ये राय है जी। जी चले, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं कि आखिर वो इस पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उपवास किया जा रहा है उन्हें क्या लगता है कि महज एक दिखावा है जो उपवास किया जा रहा है सांसदों की तरफ से? क्या उपवास दिखावा है या फिर सहानुभूति कहीं ना कहीं जनता की प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी होने के बाद भी, सत्ता में होने के बाद भी क्यों उपवास करने की जरूरत पड़ी है?
तो आप कॉल कर सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, देश की आवाज में अपनी आवाज को बुलंद कर अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने की आप कोशिश इस कार्यक्रम के जरिए कर सकते हैं। तो तमाम सवाल आपके सामने हैं कि सबसे बड़ी पार्टी होने पर भी बीजेपी उपवास क्यों कर रही है, क्यों उसे उपवास करने की जरूरत पड़ी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सांसदों की तरफ से उपवास किया जा रहा है। क्या सिर्फ ये दिखावा है, महज दिखावा करने की कोशिश की जा रही है, या फिर जनता की सहानुभूति प्राप्त करने की कोशिश इन सांसदों की तरफ से की जा रही है? क्योंकि केंद्र में होने के बावजूद भी अगर इन्हें जरूरत पड़ रही है उपवास की, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इनकी कमी रही होगी जो जनता की सहानुभूति पाने की कोशिश इनकी तरफ से की जा रही होगी, या फिर विपक्ष जिस तरीके से हमेशा से ही सरकार पर निशाना साधते नजर आया है और उनकी तरफ से कहा गया है कि हर वर्ग सरकार से परेशान है। अगले कॉलर कैथल से उदय सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, कहिए। नमस्कार बहन जी। जी नमस्कार। मैं कह रहे अभी आप कह रहे भी संसद क्यों नहीं चलने देते जी, इन्होंने 2019 का जो चुनाव है, जैसे कि जिम्मेदार की फसल आज पानी में बहेगी, कभी हमारी फसल भी ना पानी में बह जाए, इसलिए ये कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये एक ड्रामा है लोगों के लिए जी। जो इन्हें मैनुफेस्टो में इलेक्शन जीतया था, ये अपना मैनुफेस्टो बताए उपास में, हमने ये मैनुफेस्टो पब्लिक से दिया था और हम इस पे इतने खड़े उतरे हैं ताकि पब्लिक को भी पता लगे भाई हाँ हमारे कितने में आती है। इन्होंने बगैर अपना स्वार्थ के कभी भी, इनके सामने अगर कोई गरीब, जैसे कि यूपी में एक एमएलए कह रहा मेरे भाई भ्रष्टाचार का आरोप है, किसी पर बलात्कार का आरोप है, मैं कहना चाहता हूँ जब इन्होंने अपनी पे तनख्वाह बतानी हो या कोई कोठी अग्रीमेंट करानी हो, इनका बिल पास हो जाता है। जब आम पब्लिक, हेलो, हाँ जी, जब आम पब्लिक कोई भी समस्या विधानसभा में या लोकसभा में देखना चाहती है भाई हमारे पक्ष में क्या फैसला, क्या बिल पास होगा जी, तो उनका संसद बंद हो जाता है जी। रुके मार के नारे लगा के बीजेपी वाले कांग्रेस को दोषी ठहराते हैं जी, और कांग्रेस वाले बीजेपी को दोषी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। इसी के साथ अगले कॉलर सोनीपत से कृष्ण कुमार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, कहिए। हाँ जी, हमारा तो ये कहना है कि काम करने के लिए सत्ता दे रखी है, उपवास के लिए नहीं दे रखी है जी, और काम करके दिखाना चाहिए, ना कि ये ड्रामेबाजी जैसे दिल्ली में भी देखने को मिली थी, इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। तो महज एक दिखावा किया जा रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो तमाम दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं और उनका कहना है कि महज दिखावा किया जा रहा है, सहानुभूति पाने की कोशिश की जा रही है, या फिर कहें कि जो काम पार्टी को सौंपा गया है वो नहीं किया जा रहा, उपवास आखिर क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अगर विपक्ष की बात कर लीजिए, जनता की बात कर लीजिए, आमजन की बात कर लीजिए, तो उनका कहना है कि जो तमाम वायदे किए गए थे उन्हें सही तरीके से पूरा नहीं किया गया है और उपवास जो किया जा रहा है वो महज एक छलावा है। अगले कॉलर महेंद्रगढ़ से सतेंद्र यादव फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, कहिए। नेहा जी नमस्कार। जी नमस्कार। देखिए बीजेपी पार्टी ने शुरुआत से ही ड्रामेबाजी से ही शुरुआत की थी, इन्होंने कहा था कि हम काला धन लेके आएंगे, भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, सफाई का मुद्दा इनका अधूरा पड़ा है, इनकी सफाई अभियान तो डस्टबिन के अंदर ही जंग लग गया जी, हरियाणा के अंदर महेंद्रगढ़ जिले की अगर हम बात करें तो जी, ये सिर्फ ड्रामेबाजी वाली पार्टी है, ये कोई उपवास नहीं है, ये सिर्फ और मुद्दों को, जो अहम मुद्दे हैं जनता के, उनको सिर्फ बुलाने के लिए उद्देश्य से किया जा रहा है ताकि जनता इन पे कॉन्सेंट्रेट करे। इनके पास अब कॉन्सेंट्रेट कराने के लिए काम तो रहा नहीं, कोई काम इन्होंने नहीं किया, इनका पूरा कार्यकाल चला गया है, ये सिर्फ ड्रामेबाजी करके जनता का ध्यान अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा होने वाला नहीं है। 2000 जो अभी 19 में चुनाव के अंदर रिजल्ट आपको भी मिल जाएंगे जी, तो कह सकते हैं कि ध्यान आकर्षित को करने की कोशिश सिर्फ इनकी ओर से की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो जितने भी दर्शक इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, टीवी स्क्रीन पर लगातार फोन नंबर फ्लैश हो रहे हैं। अगले कॉलर गुरुग्राम से ओम कुमार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, कहिए। जी ओम कुमार। ये सब ढोंग है जी, जी
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो जितने भी दर्शक इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कॉल कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, क्योंकि जितने भी दर्शक फिलहाल हमारे साथ जुड़े हैं उनका कहना है कि मात्र एक दिखावा है ये जो उपवास बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। अगले कॉलर जिले सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, कहिए। बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है जी, हमारे बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं, इसने देश की रक्षा के लिए, देश के लिए बहुत अच्छा काम किया है जी। और जो ये बकवास करते हैं ना कि ड्रामा है, ये खुद उन्होंने जो ड्रामा रचा था 10-15-20 दिन पहले, हाँ। कि उसके जवाब में उनको ये बता रहे हैं कि हम सब देश के लिए एक साथ खड़े हैं जी, ठीक है ना जी। और ये जो फालतू फंड की बातें करते हैं, ये बकवास करते हैं, बीजेपी बहुत ही अच्छी पार्टी, एक अच्छी पार्टी, एक प्रधानमंत्री इतने सालों के बाद मिला है देश को जी। चलिए, आपके अनुसार बीजेपी अच्छा काम कर रही है, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो मिली जुली जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी दर्शकों के सामने आ रही हैं और हर कोई अपनी राय, अपना पक्ष सामने रख रहा है। लेकिन बड़ा सवाल आज के साथ जो हम लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं कि जो उपवास बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, क्या ये दिखावा है, क्योंकि जरूरत क्यों पड़ी आखिर उपवास करने की, या फिर जो अहम मुद्दे हैं उन्हें बुलाने की कोशिश की जा रही है ताकि जनता को अपनी ओर आकर्षित किया जा सके, जनता का ध्यान अपनी ओर केंद्रित किया जा सके। जिस तरीके से चुनाव आने वाले हैं, 2019 के चुनावों को देखते हुए अपना पक्ष मजबूत करने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है। हरियाणा से अगले कॉलर जुम्मा भाई फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, कहिए। मैडम नमस्ते जी। नमस्कार मैडम, मेरा कहना यह है, ये जो जो जहाँ ओलावृष्टि हुई है और किसान बड़ा परेशान है, इसके लिए कुछ सरकार से, हम सरकार की मदद मिलता है तो इससे आगे पहुँचा हमारी बात को जी। हाँ जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो जो जनता के नजरिए से अगर देखा जाए, जो अहम मुद्दे हैं, किसानों की अगर बात की जाए तो किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं, युवाओं की बात की जाए तो युवाओं का कहना है कि वो बेरोजगार हैं और कई घोटाले भी सामने आ रहे हैं। तो कई ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिनकी ओर ध्यान देने की कोशिश की जानी चाहिए, लेकिन फिलहाल बीजेपी पार्टी की ओर से ये जो उपवास किया जा रहा है, क्या लगता है कि उपवास सही मायने में ठीक है या फिर उपवास जो किया जा रहा है इसकी जरूरत क्या पड़ी, क्या कुछ इसके पीछे के कारण है, या फिर सिर्फ जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है। तो बीजेपी सांसदों की तरफ से उपवास किया जा रहा है और इस पर उनका क्या कुछ कहना है, पहले वो सुनिए। देश देश के लिए बड़े बड़े कानून पास करना चाहता है, 3 तलाक का बिल पेंडिंग है राज्यसभा में, जो भगोड़ों का बिल है वो पेंडिंग है, किसानों के लिए मजदूरों का बिल, और सबसे बड़ी बात बैंकिंग फ्रॉड पर तो हम भी चर्चा करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी चर्चा से क्यों भागी है, लेकिन जो स्थानीय इश्यू कांग्रेस पार्टी की भूमिका पर हमें पीड़ा आवश्यक है। पूरे भारतवर्ष में हम हर पार्लियामेंट क्षेत्र में एक एक जगह आज जो उपवास कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि जो पार्लियामेंट का सेशन चला उसको इन्होंने, कांग्रेस ने और दूसरी अपोजिशन पार्टियों ने चलने नहीं दिया, क्योंकि उनके लोगों में तो कुछ बचा नहीं है, वो प्रजातंत्र से खिलवाड़ कर रहे हैं। हम कह रहे थे कि जब पार्लियामेंट सेशन चले वो अपनी बात कहें, हम अपनी बात कहें, क्योंकि लोगों ने इसीलिए पार्लियामेंट में भेजा है कि हम देश की समस्याएं उठाएं, अपने क्षेत्र की समस्याएं उठाएं, अपने प्रदेश की बात कहें, उसके लिए। कहीं विरोध के कारण हम अच्छा संदेश नहीं दे पाए इस विरोध में, कि भविष्य में इस प्रकार का सेशन पूरी चर्चा से चले, इस प्रकार की का मजाक ना बने, उस विरोध में आज हम ये उपवास किया गया, चर्चा ही पास हो गई। बहुत बुरी बात है, जब देश की जनता ने करोड़ों रुपया लगाया है, इलेक्शन होते हैं उन्हीं के आधार पर छोड़ा जाता है कि आप देश को किस प्रकार चलाएंगे, सारी चर्चाएं उसमें होनी चाहिए। और जब हम लोकसभा में इस प्रकार की बातें देखते हैं तो हमें बड़ी शर्म आती है कि हम चुन के आए हैं तो यहाँ क्या करने। इससे तो गाँव की पंचायत 100 गुना अच्छी, जहाँ हर बात की बैठ कर सुलझाया जाता। तो बीजेपी सांसदों को अभी आप सुन रहे थे। इसी के साथ अगले कॉलर एमपी से प्रेमलाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, कहिए। एमपी जी, सर मैं हिमाचल प्रदेश से। जी, हिमाचल प्रदेश से आप बोल रहे हैं, कहिए, अपनी राय दीजिए। मेरी राय सर ये है कि ये जो बीजेपी पार्टी थी, लंबी पार्टी होने के बावजूद जी आज देश के बीच में ये हड़ताल पर बैठे हैं, क्योंकि ऐसी क्या है कि हड़ताल करने की जरूरत है, क्योंकि
जिन लोगों से जो वादे किए थे वो पूरा कोई वायदा निभा नहीं सकती है और अभी हड़ताल करके लोगों को गुमराह कर रही है। इन्होंने जो वादे करके आई प्रदेश से आई थी पार्टी होने के बाद भी कोई काम कुछ किया नहीं और लोगों को बेवकूफ बनाने की बात कर रही है अभी। जी चले, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। इसी के साथ अगले कॉलर जोधपुर से भजन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, कहिए। हेलो सर जी। हाँ सर, ये मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकार जो अपने जो जिसने घोटाला वगैरह किया है उसे छुपाने के लिए ये उपवास पर गया है, ये सिर्फ नाटक है जी, और ये नाटक के सिवा कुछ नहीं है। चले बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो महज एक नाटक बताया जा रहा है इस उपवास को। अगले कॉलर रोहतक से सुरेश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, कहिए। मैडम ऐसा है जी, ये मोदी सरकार जो है पिछड़ों को, दलितों को और जो अल्पसंख्यकों के ऊपर जो मार काट मचाई हुई है और इसके भ्रष्टाचार जो सामने आ रहे हैं उसको छुपाने के अपना उसमें ये जो है ना उपवास पे बैठे हैं। इनका कोई मतलब नहीं है उपवास पे बैठने, किसके लिए उपवास कर रहे हैं पहले ये बताएं जी, हम इसकी घोर निंदा करते हैं जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। इसी के साथ अगले कॉलर कमल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, कहिए कमल। बोल रहा हूँ मैडम जी, कहिए। मैं इंडिया में नहीं, मेरा मतलब शायद फिल्म में शायद 3-4 तो हिट फिल्म बनेगा, इस समय गरीब आदमी हूँ जी। मैं बीजेपी को 2 दफा राज्य वेस्ट बंगाल के एमपी को वोट दिया हूँ। मैं मेरा पास में ना घर है ना द्वार है, मेरा मैं बन जा रहा हूँ, मेरा बच्चा लोग बर्बाद हुआ है, मुझे कुछ ना, मेरा कुछ है ना नौकरी है कुछ नहीं। मैं अभी 70 वर्ष को उम्र हो चुका हूँ, मैं बीजेपी से दिल टूटा हूँ। ये दुर्लभ भारत नष्ट करके खत्म करेगा, ये आरएसएस का ये है, ये कुछ नहीं करेगा। ये ड्रामाबाजी है, एक संसद चलना नहीं दे रहा है, खुद जानबूझ के चलना नहीं दे रहा है और धन बदल रहा है, ये पूरा धन इंडिया को बैंक सेंक सब लूट के पूरा। तो महज एक दिखावा है आपका कहना है, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। राजस्थान से अगले कॉलर देशराज फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, कहिए। जी जी कहिए, अपनी राय दीजिए। जी मेरी राय यही है कि जो ये सरकार है खुद सत्ता में है, हर जगह सत्ता में है, फिर भी इनको धरने की क्यों जरूरत पड़ गई जी, जब से सत्ता ही नहीं चल रही खुद धरने में बैठे, क्या है उपवास का कारण? चले बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो कारण हम भी जानना चाहते हैं, आखिर उपवास का कारण क्या है। इसी के साथ अगले कॉलर हिसार से विकास फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, कहिए। हेलो जी विकास, कहिए अपनी राय दीजिए। ये देखिए, सत्ता में रहते हुए बीजेपी को उपवास करने की जो जरूरत पड़ी है, इसके पीछे जो अपने एमपी एमएलओ पर जो भ्रष्टाचार के आरोप, गैंगरेप के आरोप लग रहे हैं, उनको दबाने की कोशिश की जा रही है जी। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया था इन्होंने, ये नारा था कि चेतावनी दी थी, ये भी एक जुमला बन के रह गया है जी। तो बीजेपी का जो उपवास करने का जो एक इन्होंने आज बनाया है, तो इसके पीछे सिर्फ ये अपनी जो पार्टी की जो खामियां है उनको दबाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, तो खामियों को कहीं ना कहीं छिपाने की कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। अगले कॉलर चंडीगढ़ से राहुल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, कहिए। देखिए नेहा, जिस तरह से बीजेपी उपवास रख रही है उसका कारण केवल अपनी कमियां छुपाना या लोगों को ये दिखाना नहीं है कि बीजेपी ये कर रही है या वो कर रही है। इसका मकसद ये है कि संसद में जिस तरह से कांग्रेस और बाकी दलों ने मिलकर संसद नहीं चलने दी, क्योंकि संसद का एक दिन का खर्चा लगभग 4-7 से 8 करोड़ रुपए होता है, यानी 15 दिन की संसद के अंदर लगभग 100 से 150 करोड़ का खर्चा हुआ है। अब वो खर्चा देश की जनता का था, जिसका नुकसान सीधा सीधा देश की जनता को हुआ है, क्योंकि बहुत सारे बिल ऐसे थे जो पास होने थे, बहुत सारे रेजुल्यूशन थे जो पास होने थे, परंतु कांग्रेस ने सिर्फ अपने फायदे के लिए वो सारी चीजें पास नहीं होने दी। अब बीजेपी करे तो करे क्या, ठीक है इसकी संसद है, परंतु चलने ही जब नहीं दी जाएगी तो कोई भी सत्ताधारी पक्षों को काम नहीं कर सकता। तो मेरे हिसाब से उपवास ठीक है, क्योंकि जनता के सामने सच्चाई सामने आएगी कि आखिर कांग्रेस कर क्या रही है। 44 या 48 एमपी के साथ ये जो गुंडागर्दी इन्होंने मचाई हुई है संसद में, आके सामने तो आनी चाहिए। तो जी चले बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। इसी के साथ अगली कॉलर यूपी से शुक्ला फोन लाइन पर जुड़ चुकी है, बहुत बहुत स्वागत है आपका, कहिए। ये जी बीजेपी जी बहुत बढ़िया सरकार, हम लोगों ने इसको बहुमत से जिताया था, ठीक बात है जी। और संसद भी नहीं चलने दी वो भी मैं मानता हूँ, लेकिन ये अपनी जिम्मेदारी कभी तो कुछ एहसास करें जी सरकार का।
सरकार का कुछ जिम्मेदारी होती है, हम कहते हैं विपक्ष है, विपक्ष अगर कुछ दिखा रहा है, अगर अच्छी चीज है तो उसको ग्रहण करिए, क्या दिक्कत। जी जी चले, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। इसी के साथ अगले कॉलर सोहन सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, कहिए। नमस्कार जी। नमस्कार, हम बोल रहे हैं सर कि यूपी के बीच में जो बोला है उन्होंने, बेटी बचाओ और पढ़ाओ, और यूपी के बीच में बेटियों की हालत हो रही है, उस ड्रामा को छुपाने के लिए सरकार जो है कि ये भूख हड़ताल पर बैठी है, क्या क्या मतलब है इसका हड़ताल करने का, इनके सत्ता में भी है, यूपी में सत्ता में, हरियाणा में सत्ता में है, लोगों को ड्रामाबाजी क्यों कर रही है, ये क्यों लोगों को बेवकूफ बना रही है सरकार, जो इनको वादा किया वो पूरा नहीं कर रही है, ऐसे लोगों को। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। इसी के साथ अगले कॉलर हरियाणा से योगेश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है योगेश आपका, कहिए। नमस्कार जी। जी नमस्कार जी। ये जो बीजेपी वाले उपवास पे बैठे हैं, ये सब नाटक कर रहे हैं, यूपी में एक लड़की को न्याय तो ये दे नहीं रहे, हाँ। जम्मू कश्मीर में एक 8 साल की लड़की के साथ रेप हो जाता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, किसान भूखे मर रहे हैं, बेरोजगार जो नौजवान है उनको नौकरियां नहीं मिल रही है, बस इंसानों को बस इन्होंने धर्म जाति के नाम पर लड़ाई करवा दी कि भी तू हिंदू है तू मुसलमान है, इनका और कोई एजेंडा नहीं है, जैसे अंग्रेजों ने किया था कि भी देश लूटो राज करो, वही काम ये कर रहे हैं। चले बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए। इसी के साथ अगले कॉलर हिमाचल के मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, कहिए। मैडम नमस्कार, हिमाचल प्रदेश के सरका घाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ। मैडम व्रत और उपवास रखना तो इनकी आदत है जी। ये नेता अक्सर ये कहते हैं कि वसीयत में हमें क्या मिला, हाँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वसीयत में विरासत में तो आपको भले ही कुछ मिला ना मिला, हाँ। लेकिन वसीयत में क्या आप आने वाली पुस्तों को फाका दे के जाएंगे, हाँ। और ये हमारे नेताओं को भूलने की एक बीमारी है। पिछली लोकसभा में अरुण जेटली जी भी ऐसा ही करते थे जैसा कांग्रेस वाले आज कर रहे हैं, इनको वादे याद दिलाना सबसे बड़ी दुश्मनी है। बिल्कुल, याद दिलाने की कोशिश भी की जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। अगले कॉलर यूपी से लाल राम फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, कहिए। जी मैं लाल जी राम उत्तर प्रदेश से। जी भारतीय जनता पार्टी का जो भी दिखावा छलावा है सब गुमराह करने का है जी, और ये जो है केवल जनता को गुमराह कर रहे हैं, और वास्तविक जो दलितों का पिछड़ों का वास्तविक जो दर्द है जो काम है उसको ये कभी न पूरा किए हैं न तो करेंगे जी। क्योंकि इनका फोकस उस पर है ही नहीं है, केवल 8% लोगों को ही बढ़ावा देने का इनका मकसद है, पूंजीपतियों को बढ़ावा देना, गरीबों को लूटना, ये हमेशा इनकी मानसिकता है। बहुत पहले बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े सभी ने अपनी राय हम तक पहुंचाई, और उनका कहना है कि जो उपवास किया जा रहा है मात्र एक छलावा है, कहीं ना कहीं जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इसके पीछे का कारण क्या है, उपवास क्यों किया जा रहा है सांसदों की तरफ से वो नहीं पता चल पाया, तो सबसे बड़ी पार्टी होने पर भी बीजेपी को उपवास क्यों करना पड़ रहा है, बड़ा सवाल है। चलिए आज की पेशकश में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।